संघ प्रमुख मोहन भागवत का मोदी सरकार पर वार, कहा जब कोई युद्ध नहीं तो सैनिक क्यों हो रहे हैं शहीद। राम मंदिर को लेकर भी कसा तंज। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया पीएम मोदी का विरोध। कर्नाटक में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, आज होगी विधायक दल की बैठक, सभी 80 विधायकों की मीटिंग में पहुंचने की उम्मीद। ममता की रैली में विपक्षी दलों के साथ बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा भी हो सकते हैं शामिल, सिन्हा ने की ममता की तारीफ, ममता को राष्ट्रीय नेता कहकर इशारों इशारों में पीएम पद का उम्मीदवार बताया। आलोक वर्मा के बाद राकेश अस्थाना की भी सीबीआई से छुट्टी, केंद्र सरकार ने स्पेशल निदेशक पद से हटाया, 3 और अफसरों के भी किए तबादले। मोदी सरकार में मंत्री जयंत सिन्हा का बड़ा बयान, कहा चुनाव के बाद स्थिर सरकार मिलने की संभावना कम। एनएसए अजीत डोभाल के बेटे विवेक की टैक्स हेवन में कंपनी का मामला गरमाया, कांग्रेस ने नोटबंदी से जोड़ा लिंक, जयराम रमेश बोले काले धन को सफेद करने के लिए नोटबंदी को टूल बनाया। देश की सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला, सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को दी मंजूरी। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में ठंड का प्रचंड प्रहार, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी वनडे मैच शुरू, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है टीम इंडिया। ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री थेरेसा मे के ब्रेक्सिट प्लान बी पर 29 जनवरी को मतदान, हाउस ऑफ कॉमन्स नेता ने दी जानकारी, इससे पहले मे के प्लान ए को संसद ने भारी मतों से किया था खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीकर पेलोसी के विदेशी दौरे को किया रद्द, आंशिक कामबंदी की वजह से स्थगित किया गया दौरा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में पुलिस अकादमी के बाहर कार बम धमाका, 10 लोगों की गई जान, 50 से ज्यादा कैडेट घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के बीच वियतनाम में हो सकती है दूसरे दौर की शिखर बैठक, मार्च अप्रैल में वियतनाम के पूर्व तटीय शहर दानांग में हो सकती है मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से चीन की अपील, कहा सूडान पर लगाए प्रतिबंधों की समीक्षा करें। लगातार 9वें दिन बढ़े तेल उत्पादों के दाम, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 8 पैसे और डीजल के दामों में 19 पैसे की बढ़ोतरी। लाल निशान के साथ हुई शेयर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स 60 अंकों की गिरावट के साथ 36,313 पर पहुंचा, निफ्टी 7 अंकों की कमजोरी के साथ 10,898 पर कर रहा है कारोबार। पेटीएम ने जोमेटो के साथ फूड ऑर्डर सेवा की लॉन्च, दिल्ली एनसीआर के ग्राहक ले पाएंगे सुविधा, अब पेटीएम ऐप में अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट ब्राउज करके फूड ऑर्डर कर पाएंगे। आज सपाट हुई रुपए की शुरुआत, रुपए आज 2 पैसे गिरकर 71.07 के स्तर पर खुला, कल 20 पैसे बढ़कर 71.05 के स्तर पर हुआ था बंद। देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी अमूल ने भेजा कानूनी नोटिस, कहा फर्जी एड के जरिए चल रहा है कमाई का खेल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।